सबको मैंने मिलने के लिए बोला, मेरा जून अगर मैं किसी गर्लफ्रेंड को ले गया के भाई से मिलके कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो हमारे जीके भाई एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने 2019 को यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और तब से लेके आज तक मैं सबसे ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो MSK भाई के देखता था और उनसे देखता भी था और उनसे काफ़ी कुछ सीखता भी था। तो आज ही बस मिलने की एक इच्छा थी, एक सपना था कि मैं उनसे मिल पाऊँ कभी, क्योंकि जिनसे मैं इतना कुछ सीखता हूँ काश मैं उनसे एक बार मिल पाऊँ। और मैंने वो सपना देखा और आज पूरा हुआ, तो मुझे उनसे एक सीख मिलती है कि सपने देखा करो क्योंकि सपने पूरे होते हैं। ओके, सपने तो देखने ही चाहिए, देखने ही चाहिए। तो हाँ जी, वहीं बस एक सपना था। तो उससे पहले भी एक स्टोरी है कि हुआ क्या था कि मैंने एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर रखी थी स्टोरी, कौन सी वाली स्टोरी, जो कि मैंने वो लिखा था बाइक पे लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स ऐसा करके, वो देखा था। तो हाँ जी, वो वाली स्टोरी मैंने रखी थी, वो मैंने रखी थी इंस्टाग्राम पर और फिर वो स्टोरी MSK भाई ने देखी क्या बात और है? उस पर रिएक्शन आया ऐसा फायर वाला आया, तो भाई साहब मैं काफ़ी खुश हो गया और मैंने सोचा कि ये तो भाई कंटेंट बन गया आज का, क्योंकि क्या ही बताया, अब खुशी भी वो इतनी थी। तो मैंने भाई साहब वो जो स्टोरी लगाई थी वो उठा के मैंने फिर यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया, क्योंकि उसके लिए वीडियो बनाया। जैसे कहते हैं ना कि सपने सच होते हैं, तो हाँ जी होते हैं और होंगे भी आगे जाके, क्योंकि मुझे एक बार MSK भैया से मिलना है, जो कि हम लोग मिलके रहेंगे अगर किस्मत में रहा तो। ओके, तो हाँ, और उसमें बोला था कि मैं अगर MSK भाई से एक बार मिलना चाहता हूँ, किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेंगे, ऐसा सब कुछ मैंने बोला था। मैंने सोचा नहीं था कि कल ही मिल पाऊँगा या फिर मिलूँगा ऐसा इतना जल्दी, मैंने बस सोचा था कि किस्मत में होगा तो मिलूँगा ज़रूर। तो हाँ जी, उसके बाद मैंने ये वाली स्टोरी देखी MSK भाई की। प्लीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, कल मुंबई में एक मीटअप होगा, मुंबई में नहीं मतलब कि मुंबई के पास एक जगह है औरा, जहाँ पर हम सुबह सुबह राइड करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अराउंड 9:15 बजे आप हमसे मिल सकते हैं। हम आएंगे अपने धूम ग्रुप के साथ, सब सुपर बाइक स्पोर्ट्स बाइक लेके वहाँ पर आएंगे, तो आपको ऐसे 30-40 स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलेगी, फुल टशन स्वैग। तो मिलते हैं कल। तो भाई साहब, ये हमारे साथ क्या ही हो रहा है। ओके, जो कि कल हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला कि MSK भाई ने हमारी स्टोरी देखी, जो कि वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी थी, और मैंने कल कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हाँ किस्मत में होगा तो मिलना होगा। तो हाँ जी, ये मुझे किस्मत एक मौका दे रही है, तो उस मौके का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। ओके, फ़ायदा नहीं उठाया लेकिन उनसे मिलने की इच्छा थी, तो उसके बाद क्या हम लोग निकल गए सुबह। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो चुका है 5:30 और आज बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। ओके, जो कि फिलहाल अभी थोड़ा हम नींद में है, लेकिन आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, जा रहे हैं। ओके, तो वो कहाँ पर जा रहे हैं वो आपको बाद में बताएंगे, जो कि अभी यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं। तो वैसे आज हम लोग हेलमेट पहन के रेडी हैं, ओके, क्योंकि हमें जाना है दूर। और फिर क्या, और फिर एक्सपीरियंस था कि हम लोग हाईवे पे पहली बार बाइक चलाए। क्या बात कर रहे हैं भैया, मैंने आज तक कभी भी ऐसे हाईवे पर बाइक नहीं चलाई और इतनी फास्ट भी नहीं चलाई थी। ओके, लेकिन हाईवे पे रफ्तार काफ़ी होती है सारी बाइकों का, और वहाँ पे पहली बार बाइक चलाई थी हाईवे पर। जरूरी है तो अभी यहाँ पे हमने चाय पी है और अभी हम जाएंगे
तो हाय फ्रेंड, माय नेम इज मिस्टर के ब्लॉग्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग पर। तो हाँ जी, आज हम आ चुके हैं आहोरा होटल, जो कि एमएस में लगता है। तो हाँ जी, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे राइडर संडे के दिन आते हैं राइड करने। ओके, तो हाँ जी, आज स्पेशली हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि आज हमारे आने वाले हैं एमएस के भाई। ओके, तो हाँ जी, हम आए हैं स्पेशली उनसे मिलने, वहाँ से इतनी दूर। तो आज यहाँ पे काफ़ी सारी बाइकें हैं। तो हाँ जी, वैसे हमें बाइक का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन आज सारी बाइकें देख कर दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश। ओके, जो कि ऐसी राइड मैंने पहली बार करी, जो कि हमारे यहाँ से धर्मपुर से यहाँ पे आहोरा होटल, जो कि यहाँ पे ऐसे हाईवे पर पहली बार अपने सुपर को चलाई, अपनी बाइक चलाई। ओके, तो हाँ जी, अभी सारे राइडर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमें इंतज़ार है सिर्फ एमएस के का। ओके, आज है हमारे साथ मस्ती बॉय अंकुर, हमारे भाई, जो कि हम दोनों साथ में आए हैं। MSK bro, क्या हाल है भाई? स्वेग आ गया, स्वेग पूरा। ये कट्टर पब्लिक है एमएसके की। हाँ भाई, कौन कौन हमसे मिलने आया है? सारे लोग। अरे सबको आपसे मिलने आया है। हम लोग भी तो तुमसे ही मिलने आए भाई। तो भाई लोग कुछ खा के आराम से इंतजार करते हैं उसके जाने के। ऐसे भी आने करेंगे। You don't see the things I see. यार यहाँ भाई हमारे शूट करते हुए। I tell you things you won't believe. क्या ही रिएक्शन बोलूं कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। क्या आपकी धड़कन तो तेज नहीं हो गई थी? क्या धड़कन तेज हो गई थी? हाँ जी, अभी अभी हम एमएस के भाई से मिले, और क्या ही बताएं, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। ओके, नो वर्ड। तो हाँ जी, वैसे एमएस के भाई को देख के थोड़ी थोड़ी मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। पहली बार मिले भाई ऐसे देखे तो बहुत ही अच्छा लगा। नहीं बोल पाया उसके सामने। ओके, वैसे तो हमें आती भी नहीं है इतनी, ठीक ठाक आती है, जो कि अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको देखते हमारी थोड़ी बहुत बोलती बंद हो चुकी थी। लेकिन हमने काफ़ी सारी बातें करी एमएस के भाई के साथ ऑफ कैमरा। ओके, जो कि ऑफ कैमरा काफ़ी सारी बातें करी, तस्वीरें भी खिंचवाई और काफ़ी सारे वीडियो भी लिए हमने। तो एमएस के भाई के साथ थोड़ी बहुत तस्वीरें खिंचवानी है, तो उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी। वो खाने गया कि हम इतनी जल्दी जल्दी में उसको भी परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है भाई। ओके, सुबह 10 बजे के आसपास इतनी गर्मी है, और वो इस तरह राइड करके आए हमारे भाई, और हम बहुत ही ज़्यादा परेशानी नहीं देने वाले हैं उनको। ओके, तो एक दो तस्वीरें खिंचवाएंगे बस।
I hear them all those places calling me. Thank you. आज ये है हमारे MS के भाई की बाइक. ओके आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिखवाया है सलीम और यहाँ पे सिग्नेचर है MS के भाई की. ओके एक तस्वीर हम उस पर खिंचवाएंगे. ओके To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest. यहाँ पे थोड़ी सी अभी गर्मी में हालत खराब हो चुकी है लेकिन इनके बजाय हम चाय पियेंगे क्योंकि उससे एनर्जी आती है. स्टीयरिंग पे हाथ रखा अचानक से मन में आवाज आ गई इतना एडिक्शन है. जब भी कोई भी ऐसे कहीं पे निकलो तो अपने अपने भगवान को याद कर लो. वो सही होता है. वो आपकी वीडियो देख देख के ऐसा मेरे वो भी आ गया. जब भी हैंडल का सामने आता है वैसे आ ही जाता है. और भी कोई रुका है वहाँ पर? रुके बाइक के पास. एक दिन जाके बोलो कि MSK ने इधर बुलाया है. कोई जा सकता है वहाँ पर? मैं जा सकता हूँ. जाके बोलो कोई MSK के लिए रुकाएगा. ओके ओके जी MSK भाई ने हमें कहा है कि जो भी वहाँ पे जो रुके हैं वो उनको बुला के लाओ. MSK भाई ने हमको कहा है. ओके और उनके ब्लॉग पे हम आएंगे. यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ यहाँ से लेके ऐसे कैमरा आएगा. ओके टेंशन लेकर उनको बोलना है बाकी सब बढ़िया है. ओके ठीक है. तो बता देना सब कर लो. सो राइड में आए थे. आधी राइड कम्प्लीट हो गई कि पापा खा लिया चाय भी पी लिया मजा आ गया. और क्या तोड़ो राइड पे आए थे. आधी राइड कंप्लीट हो गई खिमा पाव खा लिया चाय भी पी लिया मजा आ गया. और क्या अरे बुलेट सिंह लेकिन कैसे ना कि मिलने से पहले सिर्फ एक बार देखो कि वो मिलने के जोन में है कि नहीं. काम तो नहीं कर रहे हैं. कोई प्राइवेसी में तो नहीं है. प्राइवेसी बंद मत करो. लेकिन अगर सही टाइम पे सही वक्त पे जाओगे आप सही टाइम सही वक्त दोनों एक ही हुआ सही जगह पे सही टाइम पे जाओगे तो जरूर लोग मिलेंगे. जैसे अभी कैसा मैं मिलने के लिए बुलाया था सबको. मैंने मिलने के लिए बुलाया. मेरा जोन ही वो है कि मैं वही मिलने मिलेंगे. लेकिन अगर मैं किसी गर्लफ्रेंड को लेके और एक क्या भाई आप उन्हीं से पहली बार मिले तो आप नर्वस भी नहीं हुए थे? अरे नर्वस क्या मैं तो उसके सामने बोल भी नहीं पाता था. उसे बोल भी नहीं पाता था लेकिन क्या ही बोलूं. अब हिम्मत करी अगर हमें ब्लॉग करना है तो करना पड़ता है. ओके करना. हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम. दिस इज योर सलीम खान. दिस इज योर मिस्टर AK ब्लॉग्स. वेलकम टू मिस्टर AK ब्लॉग्स. थैंक यू भाई. ऑल द बेस्ट फॉर चैनल. ग्रो ग्रो करो. 5% 10% करना करो भैया तुम राइट. तो फिर मुलाकात हुई अच्छे से और बाद में ऐसा फैन वाला मुझको फील नहीं हुआ. जो कि एक फैन होता है वो ऐसा वाला फील नहीं हुआ. मुझे फील हुआ एक फ्रेंड वाला जो कि अभी हम किस तरह बैठ के बात कर रहे हैं वैसे ही सेम वैसे ही. अरे एक आदमी ने बोला MSK भाई को कि आप तो काफ़ी डाउन टू अर्थ हो ऐसा. तो MSK भाई बोले तुम कहो तो मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ. माइंड है वो तो बहुत ही फ्री माइंड है और काफ़ी अच्छे इंसान है. MSK भाई उनके कलाकार ये रे. अरे क्या बात क्या बनाया सर ये आइडिया कहाँ से आया? मेरे को तो दूर से देखा BMW लगी. ये कौन सी मॉडल है? हाँ वही तो. Live life. Live your dream. अरे बोलो जय माता दी. हम फोड़ेंगे क्या? फोड़ा
उसके भाई को मिल लिया और क्या ही बताए फीलिंग। ओके तो मिलते हैं घर जाके, यहाँ से निकलते हैं अभी। अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे घर और घर जाकर बात करेंगे। वैसे एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा और मैं अभी MSK भाई से पता नहीं कब मिलूँगा कैसे मिलूँगा, लेकिन मैं अब जब भी मिलूँ तब मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपने काम से मिलूँ। ओके जो कि मेरा काम देखे वो, उसके बाद मैं मिलूँ और अच्छे से बात करूँ, वो भी मुझे जाने। अगर ये रहा किस्मत में तो होगा ही, क्योंकि अब हम काम करने वाले हैं। ओके तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, उसी बात पे कहना तो बनता है, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर के ब्लॉग्स, और साथ में हमारे GK भाई को भी सपोर्ट कर देना। वैसे बोलने वाली चीज़ है नहीं, आप उसका काम देखो, अगर अच्छा लगे तो कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिव लाइफ लिव योर ड्रीम्स, बाय बाय।